दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी के किस्सों से आप भली भांति परिचित होंगे। आपने इन दोनों ही जीवों के बीच हुई लड़ाइयों के अनेकों वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप और नेवले के बीच हुई जंग में भला नेवले की जीत और सांप की हार क्यों हो जाती है? हमें पता है कि सांप एक जहरीला जानवर है। अपने जहर के दम पर सांप हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को भी मार सकता है, तो भला सांप नेवले के सामने हार क्यों मान लेता है? आखिर नेवले के पास वो कौन सी खूबियां हैं जिनके सामने बिना घुटनों वाला जीव सांप घुटने टेक देता है? और क्या सांप हर बार नेवले से हार जाता है? और क्या नेवले के अलावा कोई अन्य दूसरा जीव भी ऐसा है जिस जीव पर सांप का जहर बेअसर हो? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन नेवले पर हमला करता है, वहीं नेवला सांप को मारने और खाने के लिए सांप पर हमला करता है। यानी इतना तो तय है कि इन दोनों जीवों की लड़ाई में लड़ाई होने से पूर्व ही विजेता नेवला होता है। सांप को मार डालने में नेवले की सफलता का कारण उसकी चार प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से एक है नेवले का अत्यधिक फुर्तीला होना। जो जीव जितना फुर्तीला होता है, उसे सामने वाला जीव उतना ही सुस्त दिखाई पड़ता है। यदि हमें सांप का हमला इतना तेज दिखता है, तो वही हमला एक नेवले को इतना सुस्त दिखाई देता है। अपनी अत्यधिक फुर्ती के कारण नेवला 100 में से 99 मौकों पर सांप के हमले से बच जाता है, लेकिन जब फुर्तीले नेवले द्वारा हमला किया जाता है, तो सांप नहीं बच पाता। अपने नुकीले दांतों से नेवला सांप की खोपड़ी को तोड़ देता है, जिस वजह से सांप तुरंत मारा जाता है। नेवले की जीत की दूसरी प्रमुख वजह है इसके सख्त और तने हुए बाल। जब नेवले की भिड़ंत किसी सांप से होती है, तो ये अपने बालों को उसी तरह से खड़े कर लेता है जैसे सर्दियों के मौसम में हम इंसानों के बाल ठंड लगने से खड़े हो जाते हैं। हमारे बाल खुद में यह परिवर्तन हमें सर्दी से बचाने के लिए करते हैं, जबकि नेवले के बाल उसे सांप के काटे जाने से बचाने के लिए सीधे तन जाते हैं। सांप के विषदंत ज़्यादा लंबे नहीं होते, इसलिए जब सांप नेवले को काटने की कोशिश करता है, तो अधिकतर मौकों पर सांप के दांत नेवले के सख्त बालों में ही जहर उगल कर वापिस हो लेते हैं। ये दांत नेवले की त्वचा तक पहुँच ही नहीं पाते। दोस्तों, यदि सांप नेवले को काटने में कामयाब भी हो जाता है, तो नेवले की अन्य खूबियां उसकी जान बचा लेती है। एक नेवले की त्वचा के ठीक नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। सांप अपना विष नेवले की चर्बी की इसी परत में छोड़ पाता है। हम जानते हैं कि चर्बी में छोड़ा गया कोई भी बाहरी पदार्थ बेहद धीमी गति से शरीर में अवशोषित होता है, इसलिए डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन को पेट में लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इंसानों के पेट में काफी चर्बी होती है, जिस वजह से दवा धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होती है और दवा का असर लंबे समय तक बना रहता है। जब सांप नेवले को काटता है, तो सांप का जहर भी इसी तरह धीरे धीरे नेवले के शरीर में जाता है, जिस कारण नेवले के पास इस जहर के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक समय होता है। सांप के जहर के खिलाफ नेवले का आखिरी हथियार होता है विष प्रतिरोधक क्षमता। किसी नेवले के शरीर में विशेष एसिटोलोकलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो सांप के जहर की धीरे धीरे घुलती मात्रा को आसानी से सहन कर लेते हैं। नेवले के विष प्रतिरोधक क्षमता सांप के जहर को बेअसर कर देती है, इसलिए अधिकतर मौकों पर सांप के काटे जाने के बावजूद भी नेवला मरता नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश ही होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि नेवला सांप से भी अधिक जहरीला होता है, तभी तो नेवला सांप को मार डालता है, किंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में नेवला जहरीला जीव नहीं होता है, किंतु यदि नेवला किसी इंसान को काट ले, तो रेबीज की बीमारी हो सकती है। ये वही बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है। इसलिए यदि कभी किसी को नेवला काट लेता है, तो टेटनेस के इंजेक्शन के साथ साथ रेबीज के इंजेक्शन भी मरीज को जरूर लगवाएं। हालांकि नेवलों से रेबीज होना बेहद ही दुर्लभ बात है, किंतु फिर भी सावधानी के लिए रेबीज टीकाकरण अवश्य करवा लें। खैर दोस्तों, हम नेवले की अद्भुत खूबियों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या सांप और नेवले की लड़ाई में हर बार जीत नेवले की होती है? बिल्कुल नहीं। नेवला आमतौर पर अधिक बड़े सांपों पर हमला नहीं करता। एक बड़ा कोबरा नेवले के लिए कठिन चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि बड़े सांपों के पास अधिक ताकत होती है। कई बिना जहर वाले जैसे अजगर जैसे सांप नेवले को अपनी ताकत के बल पर आसानी से मार सकते हैं। यहां मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। नेवले के अंदर जो एसिटोलोकलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों से ही नेवले को बचा पाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांप
सांपों में कोबरा और क्रेट प्रमुख हैं। वहीं हीमोटॉक्सिक विष वाले सांप जैसे रसेल वाइपर या पिट वाइपर के जहर से नेवला नहीं लड़ पाता, यानी अगर ऐसे सांप नेवले को डस ले तो नेवले पर भी वैसा ही असर होगा जैसा अन्य प्राणियों पर होता है। वैसे आमतौर पर नेवला वाइपर सांपों के दांतों से बचता हुआ उन्हें भी मार डालता है, किंतु यदि मरने से पहले किसी वाइपर ने नेवले को काट लिया हो तो थोड़े समय बाद ही नेवले की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये तो हुई नेवले की बात। बेशक सांप एक डरावना जानवर है, किंतु नेवले के आगे सांप ज्यादातर मौकों पर बेबसी दिखाई पड़ता है। लेकिन नेवले के अतिरिक्त ऐसे कौन से जीव हैं जिन्हें सामने दिखाई देते ही सांप भाग खड़ा होता है? इस सूची में सबसे पहला नंबर आता है हनी बेजर का। ये एक अद्भुत जानवर है जिसके शरीर में सभी प्रकार के सांपों से लड़ने की शक्ति है। न सिर्फ सांप अपितु बिच्छू, मधुमक्खियों या मकड़ियों तक के जहर का असर हनी बेजर पर नहीं होता। जहरीले से जहरीला सांप जब इसे काटता है तब यह कुछ पल के लिए बेहोश जरूर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह उठकर ऐसे दौड़ने लगता है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हनी बेजर बहुत ही गुस्सेल और लड़ाकू किस्म का जानवर है। इसे देखते ही सांप सहित सारे जंगली जानवर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी सख्त और मोटी होती है कि बार बार प्रयास करने पर भी शेर तक इसे नहीं मार पाता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे कब्र बिज्जू कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनी बेजर कब्र से खोदकर मुर्दों तक को खा जाता है। ओपोसम। दोस्तों, ओपोसम उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एकमात्र मार्सुपियल प्राणी यानी ऐसा जीव है जिसके पेट के पास कंगारू की भांति अपने बच्चों को रखने की थैली होती है। ओपोसम को आमतौर पर ओसम भी कह दिया जाता है। ये एक निशाचर सर्वाहारी जीव है जो सांपों को खाना बेहद पसंद करता है। यदि सांप इसे काट ले तो ये सांप के जहर को नष्ट करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है। ओपोसम अपनी हृदय गति और श्वास गति को बेहद धीमा कर लेता है। आमतौर पर इसका दिल प्रति मिनट 200 से 250 बार धड़कता है, किंतु यदि कोई सांप इसे काट ले तो ओपोसम अपने हृदय को प्रति मिनट 5 से 8 बार ही धड़काता है, ताकि सांप का जहर इसके शरीर में इतनी धीमी गति से फैले कि इसके अंदरूनी अंग उस जहर से प्रभावित ना हो। इस दौरान यह बिना हिले डुले एक जगह पर ऐसे पड़ा रहता है मानो मर गया हो, किंतु इसे अपने आसपास की गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी होती है। ऐसी दशा में ओपोसम आधे घंटे से लेकर 7-8 घंटों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। कई बार दूसरे हमलावर जानवरों से खुद के बचाव के लिए भी ओपोसम इसी तरह से मरने का अभिनय करता है। सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों, ये लंबी टांगों वाला पक्षी बाज के परिवार से संबंध रखता है। 4.5 फीट तक ऊंचा हो जाने वाला सेक्रेटरी बर्ड सांपों को अपनी मजबूत टांगों से पीट पीट कर मार डालता है। इसकी टांगों का वार बेहद भीषण होता है, जो एक बार में ही सांप का कचूमर निकालने के लिए काफी है। यदि सांप सेक्रेटरी बर्ड के हाथों जान गंवाने से पहले इस पक्षी को काट भी ले तो आमतौर पर एक छोटे सांप का जहर इस पक्षी पर बेअसर ही रहता है। वहीं सेक्रेटरी बर्ड का प्रहार इतना भीषण और तेज होता है कि सामान्यतः इसे कोई सांप काट ही नहीं पाता। दोस्तों, इनके अलावा कुछ जानकार मानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर भी सांपों के काटे जाने का कोई विशेष असर नहीं होता। वहीं ये भी देखा गया है कि सुअर भी कुछ हद तक सांपों के जहर से खुद की रक्षा कर लेते हैं। हालांकि मोर या सुअर सांप के जहर को झेलने के प्रति कितने सक्षम है इस बारे में अभी काफी शोधों की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।